यात्री को कोई ब्रोशर पेश करने से पहले किस बात पर बात करना जरूरी है? उसको यात्रा के बारे में बात करना जरूरी है। राइट। दौरे के बारे में बात करते वक्त यात्री से किस बात की जानकारी हासिल करना आवश्यक है? कि वो किस टाइप की यात्रा चाहता है, इंटरेस्टिंग चाहता है, एक्सपीरियंस चाहता है, किस टाइप की चाहता है। राइट। यात्री को ब्रोशर पेश करते वक्त आपको किस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि हमारी कंपनी का नाम और नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में है क्या नहीं। राइट। यात्री को ब्रोशर पेश करते वक्त किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है? कि उनके ब्रोशर पेश करते वक्त कि उनमें कौन सा विकल्प यात्रियों के लिए कम भ्रामक होता है? लिमिटेड, कम से कम। राइट। ब्रोशर के मुख्य तत्वों को हाइलाइटर से हाइलाइट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर कभी कभी यात्री ब्रोशर को बाद में रिव्यू करता है तो मेन मेन हाइलाइटर्स को पढ़ सके, इसलिए करके वो बाद में हाइलाइट करना जरूरत होता है। राइट। यात्रियों को ब्रोशर दिखाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि उसमें सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ रखे हैं क्या नहीं। यात्रियों को ब्रोशर से संबंधित यात्रियों को ब्रोशर से संबंधित किन बातों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कि वो सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स को फिर से पढ़े, उनको समझे। राइट। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि विशेष रूप से ब्रोशर में शामिल होने चाहिए? ब्रोशर में शामिल होने चाहिए कैंसिलेशन पॉलिसी, लॉजिंग एंड फूडिंग और उनकी ट्रांसपोर्टेशन और कैंसिलेशन पॉलिसी। राइट। यात्रा से संबंधित हुई बैठकों के बारे में क्या ध्यान रखना आवश्यक है? कि मैंने क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग कब ली थी और उनका चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि फिर दोबारा मीटिंग कब लेनी है। राइट। यात्री के साथ हुई अपनी प्रारंभिक ये बैठक और आगे होने वाली बैठकों की एक चेकलिस्ट बनाना, यह आपको किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा? यह हमें बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सहायता करता है। राइट। टूर ब्रोशर चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? टूर ब्रोशर चेकलिस्ट में शामिल होती है कॉस्ट, ट्रैवल प्रोग्राम्स एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन एंड कैंसिलेशन पॉलिसी एंड उनके जितने भी डिटेल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब आदि होते हैं। राइट। लागत से संबंधित किन बातों को यात्रियों से अवगत कराना जरूरी है? लागत के संबंध से कि अगर कि उनको जैसे कि उनके अकोमोडेशन में क्या कॉस्टिंग आएगी, सिंगल अगर वो सिंगल पैदल यात्रा करेंगे तो क्या कॉस्टिंग आएगी, उन पर डिपेंड करता है। राइट। दौरे की कीमत में क्या शामिल है और क्या बाहर रखा गया है, इस बात को यात्री से अवगत कराना क्यों जरूरी है? ताकि उनको ये पता चल सके कि अब मैं उससे आगे अगर ट्रैवल प्रोग्राम में कुछ अपना फंक्शंस बढ़ाता हूँ तो उसमें क्या कॉस्ट देना पड़ेगा उनको। राइट। यात्रा की कीमत में शामिल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? यात्रा की कीमत में शामिल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? यात्रा की कीमत में शामिल होने वाली चीज़ें होती हैं कि हाउसिंग, लॉजिंग, फूडिंग एंड उनके ट्रांसपोर्टेशन और उनमें अट्रैक्शंस, कितने सारे अट्रैक्शंस हैं घूमने के लिए, वो सारे होते हैं। राइट। यात्रा का विचार करते समय यात्री से कौन सा सवाल पूछना आवश्यक है? कि वो किस टाइप की जर्नी चाहता है, इंटरेस्टिंग या राइट। यात्रा के समूह के आकार में संबंधित क्या प्रश्न यात्री से करना आवश्यक है? कि वो समूह में चलना चाहता है या सिंगल समूह में चलना चाहता है, कि एक आदमी के साथ या चार आदमी के साथ में चलना चाहता है यात्री, जर्नी टाइप में। राइट। यात्री के लिए एक उपयुक्त प्रकार के समूह का चुनाव करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी किसी यात्री को सिंगल चलने की आदत होती है, सोलो ट्रैवल होते हैं, किसी किसी डबल चलने की आदत होती है, तो उनमें हमें देखना पड़ता है कि वो किस टाइप की जर्नी चाहता है, सिंगल या डबल ग्रुप। राइट। दौरे की गति निर्धारित करने के लिए किस बात का ध्यान करना देना आवश्यक है? किस बात का ध्यान देना आवश्यक है? कि पैसेंजर की फिजिकल कैपेसिटी कितनी है और वो उसके जैसे कि वो पास रॉन्ग दौरे के यात्रा कार्यक्रम को ध्यान से देख के किस बात का सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि उनके क्लाइंट की फिजिकल कैपेसिटी और उनमें क्या क्या है ट्रेवल करने के लायक है वो सब। कैन यू प्लीज रिपीट? जैसे कि पैसेंजर दौरे टूर कर सकता है या नहीं कर सकता है और उनमें क्या क्या ले जाने की चीज़ है वो सारे होते हैं। रॉन्ग। यात्रा कार्यक्रम को अपने ग्राहक के स्वास्थ्य के साथ मेल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उनकी फिजिकल कैपेसिटी और उस ट्रेवल्स में क्या ले जाना नहीं ले जाना है ये सब होते हैं। राइट। इस बात को सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है कि आपके यात्री ब्रोशर की उपयोग की कोई भाषा और शब्दावली को समझते हैं?
क्योंकि अब हर एक कंट्री की अपने अपने डिक्शनरी अपने अपने लैंग्वेज होती है, हर एक में सबका मीनिंग अलग होता है, इसलिए वो हमें से जाना जरूरी है कि वो पहले उनको समझे। राइट। यदि आपका यात्री अकेले यात्रा कर रहा है तो उसे किस बात का पता होना चाहिए? वो सिंगल सप्लीमेंट्स के बारे में जानता हो, अकेले यात्रा करने के बारे में जानता हो कम से कम। राइट। सिंगल सप्लीमेंट रेट के बारे में क्या बताना आवश्यक है यात्री को? कि वो सिंगल सप्लीमेंट्स अगर वो यात्रा करेगा तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और अगर वो मास में ग्रुप में यात्रा करता है, एक के साथ दो कमरा सेट करता है, तो उसको वो सस्ता पड़ेगा। राइट। सिंगल सप्लीमेंट रेट दौरे की कीमत को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये 50% कॉस्ट प्रभावित करता है। रॉन्ग। प्रस्तावित दौरे क्या किसी संगठन का सदस्य है या नहीं, इसका पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी ब्रोशर में कैंसिलेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर है कि नहीं, अगर जो संगठन उसको वो दौरा प्रभावित दे रहा है उसमें उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि नहीं। राइट। दौरे की किस चीज़ का महत्व आपको अपने ग्राहक को समझाना चाहिए? कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ रिकवरी हो सकती है, क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती, ये बताना जरूरी है उनको। राइट। किन शर्तों के बारे में समीक्षा करना आवश्यक है? किन शर्तों के बारे में समीक्षा करना? रॉन्ग। कुछ देशों में ग्राहक को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वो समझ चुके हैं, इसलिए करके। राइट। ग्राहक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इससे ऑपरेटर टूर ऑपरेटर और ग्राहक दोनों को संतुष्टि मिलती है, ताकि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को समझ चुका है और उनके ऊपर फॉलो कर रहा है। ट्रैवल एजेंट। राइट। ट्रैवल एजेंट कौन होता है? वो मिडिलमैन होते हैं ऑपरेटर और कस्टमर के बीच के। राइट। ग्राहक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि वो सारा प्रश्न उन्होंने जो